नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई और इम्पोर्टेंट वीडियो में। मैं हूं मोहन सुथार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जब हम टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं या टैली के अलावा कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके दौरान हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप में से दो ग्रुप हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, जो है सैलरी क्रेडिटर्स और सैलरी डेबिटर्स। तो दोस्तों, आखिरकार इन दोनों ग्रुप का यूज हम कब करते हैं, यानी कि कौन सा लेजर क्रिएट करते हैं तो सैलरी क्रेडिटर कब देना होता है और कौन से लेजर के साथ हम सैलरी डेबिटर्स का यूज़ करते हैं, और बैलेंस शीट के दौरान हम देनदारियां लेनदारियां किस तरीके से देख सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो या किसी इंस्टीट्यूट से आप टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी क्रेडिटर के ग्रुप की। तो दोस्तों, जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर में लेजर हम क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी एक लेजर का नाम हमने रख दिया, और जब बात आती है इसके सैलरी क्रेडिटर के ग्रुप को सिलेक्शन करने की, तो जैसे हम करते हैं तो सैलरी क्रेडिटर और सैलरी डेबिटर्स बिल्कुल पास पास में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सैलरी क्रेडिटर्स का जो हम यूज़ कब करते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी हम लेज़र क्रिएट करते हो, यानी कि ऐसा जो हमारा सप्लायर्स है, जिस दुकानदार से, जिस कंपनी से हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, चाहे वो प्रोडक्ट हमारा बिजनेस यानी कि रीसेल पर्पज से खरीदा हो, चाहे हमने कोई एसेट परचेज करी हो, तो उस दौरान हम उसको सैलरी क्रेडिटर में रखते हैं। तो जैसा कि मैंने कुछ ऑलरेडी लेज़र क्रिएट किए हुए हैं, तो हम सबसे पहले डेबुक को ओपन कर लेते हैं। पूरा डाटा हमने ओपन कर लिया और इसमें हम चलते हैं परचेज वाउचर पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस परचेज वाउचर की एंट्री पास करी, और ये जो एंट्री मैंने करी है तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में मैंने श्री बालाजी ट्रेडर्स का नाम लिखा हुआ है। तो जब ये बालाजी ट्रेडर्स का लेजर मैंने क्रिएट किया था, तो ये क्रिएट करने के दौरान मैंने इसका जो ग्रुप सिलेक्शन दिया था वो दिया था सैलरी क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्यों दिया, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल ये कहता है कि जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, जहाँ पर हमारी देनदारियाँ बनती है, तो उन लेजर्स का ग्रुप हम सैलरी क्रेडिटर्स के अंदर रखते हैं। तो यानी कि हम सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसा कोई भी दुकानदार, ऐसी कोई भी कंपनी जिससे हम बिजनेस के लिए सामान खरीदते हैं, तो जब उसकी बात आएगी लेजर बनाने की, तो वो रहेगा सैलरी क्रेडिटर्स के अंदर में। तो इसी का जस्ट अपोजिट होएगा सैलरी डेबिटर्स का, यानी कि अब ऐसा कोई भी कस्टमर, जैसा कि हम एक इसको सेल वाउचर को ओपन किया, ये मैंने एक कस्टमर को सेल किया हुआ है और कस्टमर का नाम है पार्टी अकाउंट नेम में राजा सिंह। तो दोस्तों, अब राजा सिंह पे जाके हम कंट्रोल इंटर करते हैं, तो जब मैंने इस पार्टी का ये लेज़र क्रिएट किया था, तो ये जब लेज़र मैंने क्रिएट किया तो इस कस्टमर का मैंने ग्रुप रखा यहाँ पे अंडर में सैलरी डेबिटर्स। तो सैलरी डेबिटर्स है वो एज ए करेंट एसेट्स का पार्ट होता है, और जो सैलरी क्रेडिटर होता है वो एज ए करेंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट होता है। तो यानी कि ऐसा कोई भी लेजर, कोई भी कस्टमर जिसको हमने प्रोडक्ट है जो सेल किया हो, यानी कि वो हमारा ग्राहक है, तो जब उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, टैली के अलावा बीजी वगैरह, तो आपको ग्रुप है जो सैलरी डेबिटर्स ही रखना है। यानी कि मोटा तौर पे जिसे हमने प्रोडक्ट परचेज किया वो सैलरी क्रेडिटर, और जिस कस्टमर को हमने प्रोडक्ट हम सेल करते हैं वो हमारा होता है सैलरी डेबिटर्स। तो अब तो ये तो बात क्लियर होगी, सैलरी डेबिटर्स का ग्रुप हम कब यूज़ करते हैं और सैलरी डेबिटर्स का ग्रुप हम कब यूज़ करते हैं। अब बात आती है भी जब हम किसी पार्टी का स्टेटमेंट हम देखते हैं, जैसा कि हमने एक लेज़र हमने ओपन कर लिया, कोई भी हम लेज़र ओपन कर लेते, जैसे कि हमने कमल सिंह का एक लेज़र ओपन कर लिया, तो इसके अंदर कमल सिंह के साथ हमने जो भी ट्रांजेक्शन करी है, जैसे आप देख रहे हो अभी दो बार हमने इसको सेल करी हुई है और उसके बाद में ये तीन बार रिसिप्ट हुई है, यानी कि पैसा हमारे पास आया है। तो यानी कि दो बार तो डेबिट और तीन बार क्रेडिट। अगर हम इसके टोटल की बात करें तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आप देख सकते हो 22,935 रुपये और 90 पैसे का। तो ये बैलेंस किस साइड में आ रहा है, तो आप साइड यहाँ से देख सकते हो, ये बिल्कुल डेबिट साइड के अंदर आ रहा है। तो डेबिट साइड के अंदर किसी पार्टी का अगर कोई बैलेंस आता है कस्टमर का या किसी पार्टी का, तो इसका मतलब वो पैसा हमने उस कस्टमर से लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो ये कमल सिंह है, अगर कमल सिंह हमारे से पूछे भी हमारा बैलेंस बताओ क्या है, तो हम उसको बैलेंस यही बताएंगे भी हमने आपसे 22,935 रुपये 90 पैसे लेना है। तो वैसे भी अगर हम देखें
तो आप देख सकते हो भी 26,235 रुपये और 90 पैसे का टोटल हमने इनको प्रोडक्ट है जो सेल किए हैं और 3,300 रुपये उनके जमा है। तो जैसी बात है डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमने कस्टमर से लेनी है। तो इसी तरीके से अगर हम इस पार्टी का जिससे हमने गुड्स परचेज किए उसका अगर हम बैलेंस देखें तो आप देख सकते हो जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो 67,620 रुपये का है और डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो 14,500 रुपये का, यानी कि टोटल हमने 67,620 रुपये का सामान हमने परचेज किया है और उसके बदले में अभी तक हमने 14,500 रुपये की पेमेंट करी है। तो जाहिर सी बात है अभी जो डिफरेंस अमाउंट है ये आप देख सकते हो ये क्रेडिट साइड के सीध के अंदर है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड के अंदर आ रहा है। तो ये 53,120 रुपये अब हमने इस कंपनी को और पेमेंट करने वाली बकाया पड़ी है। तो यानी कि जिसका बैलेंस डेबिट साइड में आता है वो हमने पैसा लेना है और जिस कस्टमर का या कंपनी का क्रेडिट साइड के बैलेंस आ रहा है तो वो पैसा हमने उसको देना है। तो ये तो हमें स्टेटमेंट से पता चल जाता है। अब बात आती है भी हम बैलेंस शीट में से देख के डेबिटर क्रेडिटर कैसे तय करते हैं, यानी कि हमारी टोटल देनदारियाँ कितनी है, टोटल लेनदारियाँ कितनी है, तो वो हम बैलेंस शीट में किस तरीके से देख सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं बैलेंस शीट पे और एल्ट F1 के साथ पूरी डिटेल ओपन कर लेंगे और पूरा डाटा ओपन कर लेंगे। तो हम बैलेंस शीट को अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये सेंड्री क्रेडिटर्स का हमारे पास अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो रहा है 82,847 रुपये और 60 पैसे। तो यानी कि टोटल आपके क्रेडिटर की देनदारी यानी कि आपकी तरफ से आपकी कंपनी की तरफ से जो टोटल देनदारियाँ बन रही हैं वो ये बन रही है, आपकी टोटल लाइबिलिटीज बन रही है सेंड्री क्रेडिटर की। जब इस पर हम इंटरप्रेस करते हैं तो उन सभी कंपनीज़ के नाम यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन सी कंपनी का आपको कितने रुपया देना, क्योंकि ये जो टोटल आ रहा है ये सभी तीनों का टोटल आपको बैलेंस शीट में दिखाएगा। अगर और ज़्यादा डिटेल देखनी है तो सेंट्रिक क्रेडिटर्स पर जाके आपको एंटर प्रेस करना है और उसके बाद में आपको ये पार्टी वाइज बैलेंस पता चल जाता है भी किस पार्टी को कितना रुपए का पेमेंट अभी करने वाला बकाया पड़ा है। और इसी साइड से जो हमारी डेप्टर्स है यानी कि जो हमारी लेनदारी बनती है वो हमारी इस साइड में बनती है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा भी आपने 62,379.76 पैसे लेना है। तो अब किससे कितना लेना है इसकी डिटेल के लिए आप सेंड्री डेप्टर्स पे जाके एंटर प्रेस करोगे तो आपको सभी उन कस्टमर के पार्टीज़ के नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे और उनकी अमाउंट उनके सामने रिफ्लेक्ट करेगी भी आपने इस कस्टमर से इतना इतना पेमेंट जो अभी लेना है और टोटल आउटस्टैंडिंग जो भी है वो ये रहने वाली है 62,379.76। और यहाँ पर आपको शुरुआत में बैलेंस शीट के अंदर ये फाइनल टोटल ही आपको शो करेगा। और ज़्यादा डिटेल के लिए आपको इसके लिए इंटरप्रेस हम करेंगे तो वहाँ पर पूरी डिटेल पता चल जाती है कि कौन से कस्टमर को कितना पेमेंट देना है, कौन से कस्टमर से कितना पेमेंट लेना है। अब मान लीजिए इसी पार्टी की और ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप इसी कस्टमर पर जाके इंटरप्रेस करेंगे तो ये डिटेल इसकी आ जाएगी, यानी कि टोटल जो अमाउंट डेबिट है वो 26,235.90 का और ये उनके टोटल है जो क्रेडिट है और टोटल आपको दोनों का नीचे लग जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो DR साइड का मतलब बैलेंस आ रहा है तो ये पैसा हमने इस कस्टमर से लेना है। अगर यहाँ पर DR की जगह CR होगा तो इसका मतलब ये पैसा उस कंपनी को पार्टी को कस्टमर को देने वाला हमारे तरफ से बकाया पड़ा है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।